हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान मेघवाल ने बीजेपी मीडिया सेंटर पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस मौके पर मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सबके बीच रखा। मेघवाल ने कांग्रेस नेता सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए साफ किया है कि सीपी जोशी कौन सा इतिहास पढ़कर आए हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश में परंपरा है कि जात न पूछो साधु की। मेघवाल ने कहा कि रितंबरा और उमा भारती जैसी साध्वियों की आप जाति पूछ रहे हैं। हम लोगों ने सीपी जोशी के बयान के बाद इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। मेघवाल ने इस मौके पर जीएसटी पर भी अपनी बात रखी। मेघवाल ने कहा कि हम लोग जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जीएसटी में सरलीकरण और सुधार करने का काम लगातार कर रहे हैं, जिसे लोग स्वीकार करेंगे। मेघवाल ने कहा कि टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार वापस राजस्थान में बनाएंगे। इस मौके पर राम मंदिर पर चल रहे सियासत पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 100 का भी टारगेट है, 150 का भी है, कहीं कहीं पर 200 का भी है, कहीं मेरी एक बीकानेर में एक ग्राम पंचायत में 350 का भी टारगेट है, तो कहां 3 का टारगेट और कहां 300 का टारगेट, कहां 50,000 मिलते थे मकान बनाने के और कहां 1.5 लाख मिल रहे हैं। तैयार, किसी भी बहस के लिए तैयार, हम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के माध्यम से ही जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो मुद्दों से भटक रही है और झूठ का सहारा ले रही है। जैसे राजस्थान में भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक कांग्रेस ने सकूफा छोड़ा और कांग्रेस ने क्या छोड़ा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, एक सचिन पायलट जी ने सकूफा छोड़ा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 47 लाख फर्जी वोट बना दिए, उसके आधार पर चुनाव में भाजपा चुनाव लड़ रही है फर्जी वोटों के आधार पर। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।